अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड लाइफ विद आमना। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो डालती रहती हूँ जो कि मेरे हिसाब से बहुत इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर से देखिएगा। पर जो आज का वीडियो है वो मैं बहुत दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, मतलब जो आज का वीडियो है वो है कुकिंग वीडियो, और ये मैं बहुत दिन बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं बाहर के वीडियो ज़्यादा बना रही थी, जो बाहर बैंगलोर में कौन कौन सी प्लेसेस है, जगहें हैं या रेस्टोरेंट कैफे, उसकी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, तो वो ज़रूर देखिएगा। पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कुकिंग वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो, जब तुम डालती थी तो हम लोगों को देखने में अच्छा लगता था, कुछ टिप्स और कुछ नए नए रेसिपीज देखने को मिलते थे। तो मैंने सोचा जब सब इतना पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा और एफर्ट करूँ, और मैंने आज एक कुकिंग वीडियो बनाने का सोचा है। तो आज का जो हमारा कुकिंग वीडियो, फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया आज बहुत दिन बाद मैं कुकिंग वीडियो डाली, तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल रेसिपी आज मेरे वीडियो में अपलोड करती हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है, अगर आपका कोई ओकेशन है, कोई गेस्ट आने वाले हैं या कोई छोटा मोटा पार्टी है तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो इसके लिए मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेती हूँ और मैं जो कुकिंग है वो स्टार्ट करती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ आज हमारी कुकिंग में हम लोग कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं। पर साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जिन्होंने अभी तक मेरे दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, क्योंकि आपको उन वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव प्लेसेस और जगहें और जो कैफे रेस्टोरेंट उन सब के बारे में मालूम पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बैंगलोर में कौन कौन सी जगह है, कहाँ पे आप जाके अच्छा फूड इंजॉय कर सकते हैं, वो सब डिटेल आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। इसलिए मेरा चैनल को फॉलो कीजिए और फिर से एक बार बोलूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कोफ्ता बिरयानी, जिसकी रेसिपी मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये है कीमा जो कि मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में, और उसके अलावा यहाँ पे मैंने रखा है ये पिसा हुआ चने का आटा, और यहाँ पे हरे मसाले का जो है वो मैंने रखा हुआ है, इसे मैं अभी आपके सामने पीसूंगी। तो इसमें हम लोग डालेंगे 3 हरी मिर्ची और हरा धनिया और 1 प्याज मैंने लिया है। इन तीनों चीज़ों को हम लोग मिला के कोफ्ते बनाएंगे, और सबसे पहले कोफ्ते रेडी करेंगे, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए झटपट इसे पीस लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ग्रीन मसाला जो कोफ्ते के लिए है वो मैं पीसने जा रही हूँ, जार में मैंने डाल लिया है, तो चलिए इसे पीसेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा मसाला अच्छे से पीस गया, अब इससे हम लोग कोफ्ते रेडी करेंगे। और कोफ्ते रेडी करने के लिए इसे जो मैंने आपको दिखाया था कि कीमा और जो चने का आटा उसमें हम लोग मिलाएंगे। तो चलिए झटपट हम लोग कोफ्ते भी रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी एक प्लेट में पूरा मैं अच्छे से ये मिक्स कर लेती हूँ कोफ्ते बनाने का जो मसाला हम लोग पीसे थे। देखिए ये हमारा जो कीमा है, उसके अलावा यहाँ पे मैं इसमें ये हरा मसाला भी मिला दूंगी, पूरा इसमें हरा मसाला है। ये इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए पूरा। इसके अलावा इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट भी मिला रही हूँ ताकि कोफ्ते जो हैं बहुत अच्छे टेस्टी बने। अदरक लहसुन डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और ये जो चना का आटा हम लोग पीसे हुए थे आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, वो भी थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे। आप पहले थोड़ा मिक्स करिए, फिर उसके बाद आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा पूरा मिक्सिंग का काम शुरू करते हैं, और इसी में मिक्सिंग के टाइम पे ही हम लोग इसमें थोड़ा नमक और मिर्ची भी मिलाएंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, और साथ ही साथ मैंने जैसे बोला इसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। और नमक भी मिला रही हूँ मैं, टेस्ट के अनुसार आप मिला सकते हैं जैसा आपको पसंद है, थोड़ा हल्का सा ज़्यादा रखेंगे भी तो चल जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग बिरयानी बनाए हैं तो बिरयानी जब बनाएंगे तो वो नमक थोड़ा फीका नहीं होना चाहिए कोफ्तों में। तो इस हिसाब से आप उस हिसाब से इसमें रखिए, ये पूरा अच्छे से मिला लीजिए।
मैंने इसमें देखिए थोड़ी हल्दी भी मिला दी ताकि इसमें जो कोफ्ते का कलर है वो अच्छे से आ जाए। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे आप चाहे तो, अगर ये बराबर है तो आप चाहे ऐसे भी राउंड शेप बना सकते हैं, कोफ्ते बना सकते हैं, नहीं तो इसमें थोड़ा सा पानी या तेल लगा के इसके राउंड शेप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी जल्दी से कोफ्ते का रेडी कर लेते हैं, कोफ्ते जो राउंड बनाने के वो रेडी कर लेते हैं। ये मसाला तो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है फ्रेंड्स। ये रहा हमारे मीट बॉल्स जो कि रेडी हो गए हैं और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। इसे अब हम लोग फ्राई करेंगे और बाकी आगे का मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद क्या करना है। फ्रेंड्स मैंने देखिए एक पैन ले लिया है और इसमें मैं अब जो हमारे कोफ्ते बॉल्स हैं वो डाल के फ्राई करूंगी। तो चलिए फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे हमारे मीट बॉल्स और इसे थोड़ा सा इसमें हम लोग फ्राई कर लेंगे ताकि ये गोल्डन हो जाए और उसके बाद इसको हम लोग बिरयानी में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे आप थोड़ी देर पकने रख दीजिए, चाहे तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, उससे ये थोड़ा इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो और अदरवाइज़ नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग बिरयानी बनाएंगे तो उसके पानी में भी ये अच्छे से पक जाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ इसे फ्राई करेंगे इस तेल में। तो फ्रेंड्स हमारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई हो रहे हैं। साथ साथ में मैं आपको एक टिप भी देती हूँ कि अगर आप ये कोफ्ते अभी पकाना नहीं चाहते हों तो आप ये जो कोफ्ते होते हैं इनको डीप फ्रीज करके रख सकते हैं एक जिप लॉक कवर में, और इसे एक महीने तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और जब चाहे आप कोफ्ते का सालन या कोफ्ता बिरयानी भी बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। और देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई हो रहे हैं धीरे से। मैं इसे गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ ताकि ये स्लो पे रखा है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, कच्चापन निकल जाए, और साथ में जब हम लोग बिरयानी बनाएंगे तो उसमें भी ये पक जाएंगे। तो वल्ला देखिए माशाल्लाह हमारा जो कोफ्ते हैं देखिए कितने अच्छे से कुक हो रहे हैं और काफ़ी गोल्डन हो चुके हैं। और इसे अब मैं निकाल लूँ प्लेट में। और इसका अभी जैसे कि हम लोग बिरयानी बना रहे हैं, आप इसका कोरमा भी बना सकते हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं ये चावल भिगोने जा रही हूँ। बासमती राइस जो मैंने लिया है, आप चाहे तो कोई सा भी राइस ले सकती हैं या कोई सा भी राइस में बना सकती हैं। तो मैंने सोचा बिरयानी कोफ्ते की बना रही हूँ तो इसमें बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे मैं लेती हूँ और इसे थोड़ी देर भीगने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये चावल भिगो दिए हैं, अब इसे थोड़ी देर हम लोग आधा घंटा चावल भीगने रख देंगे। उतनी देर में मैं जो बिरयानी का है वो भी मैं कट कर लेती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि बिरयानी में हम लोग ने क्या क्या डालना है। तो चलिए वो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स बिरयानी के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे प्याज। एक ये मैंने 5 से 6 प्याज कट कर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और यहाँ पे 2 टमाटर कट किए हैं। उसके अलावा एक स्पेशल मसाला है वो रेडी करेंगे, तो चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ वो मसाला क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग लेंगे दही। दही में हम लोग डालेंगे थोड़ी सी पीसी हुई मिर्च, आप ऐसे मिला के रख दिए तो ये मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमने मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें हम लोग डालेंगे गरम मसाला, इसमें हम लोगों ने डाला है घर का पिसा हुआ गरम मसाला। इससे अच्छी स्मेल आएगी आपके बिरयानी में। उसके अलावा हम लोग लेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची और इसमें मिला देंगे। इसको मिला के आप इसको मिक्स करके रख दीजिए थोड़ी देर। ये मसाला हम लोग बाद में बिरयानी में मिलाएंगे। ये जो मिर्च मैंने ली थी इसे मैंने बीच में से काट लिया था, मतलब इसमें चीरा लगा दिया था। तो चीरा लगा देने से जो मसाला इसका है, जो दही है और जो मिर्ची है, वो इस मिर्ची में भी मिक्स हो जाएगा। ये हमारा मसाला रेडी हो गया, इसे हम लोग साइड में अभी रख देंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बिरयानी का कोफ्ते का जो है वो रेडी करेंगे और साथ में बिरयानी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये प्याज मैंने कट करके रखी हुई थी, तो सबसे पहले हम लोग ये तेल में प्याज डाल देंगे भगोने में और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर ये गोल्डन ब्राउन होगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसमें आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स हमारी प्याज देखिए थोड़ी ऑलमोस्ट गोल्डन हो चुकी है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन ही रखना है, क्योंकि
उससे नहीं तो उसका फ्लेवर ख़राब हो सकता है। तो देखिए थोड़ा और हल्का सा इसे गोल्डन करेंगे, उसके बाद इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी डाल देंगे और थोड़ी देर में ही हमारी बिरयानी भी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम लोग डालेंगे ये कटे हुए टमाटर जो मैंने दो काटे थे। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, आप देख सकते हैं, और ये है जीरा, काली मिर्च, और ये शाही जीरा है, ये भी थोड़ा डालेंगे तो इससे स्मेल आता है, और लौंग इलायची, ये पूरा गरम मसाला हम लोग इसमें डाल देंगे। ये इस टाइम पे ही डालना है, पहले नहीं डालना है, इस टाइम आप इसमें प्याज के टमाटर के साथ डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा मसाला है, ये टमाटर को थोड़ी देर हम लोग इसमें कुक करेंगे तो साथ में ये नरम पड़ जाएगा। उसके अलावा इसमें मेन जो अदरक लहसुन पेस्ट है बिरयानी के लिए वो डालना है। तो मैंने फ्रेंड्स ये 6 से 7 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ले लिया है, वो इसमें डालूंगी मैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें ये दही मिला रहे हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने घोल कर रखा था, इसका पेस्ट हम लोग इसमें डालेंगे। और ऑलरेडी इसमें मिर्चें हैं, जैसे कि हमने देखा था मैंने लाल मिर्ची पाउडर मिला दिया था, तो आप उस हिसाब से अगर चाहे तो बाद में थोड़ी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी काफ़ी है। हाँ नमक ज़रूर ऐड कर लीजिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा देखिए मसाला रेडी हो रहा है, तो देखिए मसाला अभी जबकि मैंने स्टार्टिंग है अभी तो थोड़ा और मसाले इसमें जैसे नमक मिर्ची हम लोग थोड़ा और ऐड कर लेंगे तो उससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। देखिए तो ये हमारे कोफ्ते की बिरयानी ऑलमोस्ट थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी, बहुत इजी है और प्रोसेस भी बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है और इसमें से अभी से ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो इसमें अब हम लोग कोफ्ते ऐड करेंगे और इसमें बाद में राइस मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें ये कोफ्ते ऐड कर दे रहे हैं, देखिए माशाल्लाह कितना अभी से ये जायकेदार और टेस्टी लग रहा है, तो पकने के बाद तो ये और टेस्टी हो जाएगा। देखिए पूरे कोफ्ते इसमें अब थोड़ी देर पकेंगे तो इससे इसमें इसका मसाला भी अब्सॉर्ब होगा तो और ज़्यादा टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स देखिए मैंने थोड़े से अंडे भी बॉईल कर दिए थे ताकि जो हम बिरयानी बना रहे हैं उसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो, और अगर कोई आपके घर आ रहा है दावत पे तो आप कोफ्ते के साथ अंडे मिक्स करके उनको बिरयानी बना के खिलाएंगे तो और टेस्टी हो जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़े से अंडे भी मिक्स कर दिए हैं और इसे इसमें पकने छोड़ देंगे। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे राइस, तो चलिए वो भी मिला देते हैं ताकि हमारा ऑलमोस्ट जो बिरयानी का प्रोसेस वो कम्प्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें राइस मिलाने जा रहे हैं, जो बासमती राइस मैंने भिगो के रखा था वो मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1 किलो जो राइस होता है उसमें ऑलमोस्ट हम लोग 6 से 8 गिलास पानी डालना है, तो मैं इसमें ऑलमोस्ट 8 गिलास पानी डालूंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें 6 गिलास पानी टोटल डाल रही हूँ क्योंकि पहले भी थोड़ा पानी उसमें था तो इसलिए मैं 6 गिलास पानी डाल रही हूँ। और इसे आप थोड़े हल्के हाथों से चलाइए ताकि ये जो चावल है वो टूटे ना, तो इस तरीके से इसको हम लोग अब पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें फ्रेंड्स ये बंद करने से पहले नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मेन आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिए क्योंकि बिरयानी है, राइस में भी लगता है, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल दीजिए। इसके अलावा देखिए ये हरी धनिया और पुदीने की पत्ती मैंने तोड़ के रखी थी, इसे हम लोग इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो पकने के बाद मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगी कि ये बिरयानी कैसी है और लास्ट में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स अब हम इसे ढक के बंद कर देंगे थोड़ी देर और पकने छोड़ देंगे, और पकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। चलिए देखते हैं कि हमारी जो बिरयानी है उसका क्या हाल है, मतलब कैसी है वो। तो माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, अभी ये दम होना बाकी है पर आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो गई है ये, और अब मैं इसे स्लो फ्लेम पे रख दूंगी जिससे ये अच्छे से दम हो जाएगी। तो
तो फ्रेंड्स ये रही हमारी कोफ्ता बिरयानी, जो कि देखने में आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त लग रही है। आपको ये कैसी लग रही मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स ये रही हमारी टेस्टी कोफ्ता बिरयानी और इसे हम लोग टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद देखेंगे कैसी है। चलिए फ्रेंड्स इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसी बनी है। बहुत ही जबरदस्त बनी है। वैसे तो मैंने बनाई है तो मैंने खुद ही तारीफ कर रही हूँ, बट फिर भी ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी बनी है और जो बासमती चावल है बहुत अच्छे से गल गया है और जो कोफ्ता आप देख सकते हैं इतना पकने के बावजूद भी देखिए पूरा बराबर से है, कुछ भी टूटा नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है कि कोफ्ता भी बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसे हम लोग थोड़ा टेस्ट करेंगे कोफ्ते को भी। कोफ्ते का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है। बहुत अच्छी बिरयानी, बहुत अच्छा राइस और प्रॉपरली कुक हो गया है। तो ये थी मेरी आज की कोफ्ता बिरयानी स्पेशल रेसिपी, जो कि मैंने बहुत दिन बाद डाली है, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं रेसिपी का वीडियो डाली थी इसलिए मैंने आज स्पेशल ये रेसिपी बनाई है। आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी जो आपको मैंने आज खाई। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।